सत श्री अकाल, तुसीं सुन रहे हो न्यूजीलैंड का नंबर 1 पंजाबी रेडियो, साडे वाला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधू, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मन ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक अपील की है। ध्यान सिंह मन ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पत्र लिख के कहा कि असी सारे झगड़े खत्म करके एक हो जाने हैं, क्योंकि ना तो मैनू तो ना ही तुहानू कौम का पूरा समर्थन प्राप्त है। ध्यान सिंह मन ने कहा कि यह गल ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पत्र जारी करके आखी गई है। ध्यान सिंह मन ने एक होने की अपील करते हुए कहा कि मैनू सरबत खालसा वालों सेवा दी गई है और तुहानू श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जथेदार बनाया है। अज समय कि सानू मिल के कौम के लिए काम करन दी लोड़ है। ध्यान सिंह मन ने अगे लिखा है कि अज सानू अपनियां गलतियां ते मंथन करना चाहिए है, क्योंकि ना तो मैनू ते ना ही तुहानू कौम का पूरा समर्थन मिले है। जथेदार मन ने कहा कि मैं दिलों चाहता हाँ कि समुची कौम दो धड़िया तो पिछे हट के एक होवे अते श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल जुड़े। मंड ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा 6 जून वाला संदेश याद करवाउंदे हुए कहा कि मेरा ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा कौम दे नाम इको ही संदेश है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र च दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ते जाम लगा के धरने ते बैठे किसानां दीआं मंगां सरकार ने मन लईआं ने। किसानां ने मंगलवार नूं कहा कि सरकार ने अज साडी मंग मन ली है, सारे दोस्तां ते मीडिया वालिआं दा धन्नवाद है। साबत होया कि एकता च ताकत हुंदी है, इह कोई फाइनल जित नहीं है। फाइनल जित उदों होवेगी जदों सरकार पूरे देश विच MSP दी मंग नूं मन लवेगी। कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आगू राकेश टकैत ने कहा कि असी एक हफ्ते तक संघर्ष किया अते सरकार ने थोड़े सारे के सहयोग नाल साडी मंग मन्नी है। टकैत ने कहा कि किसानों का हक है, असी अगे भी पूरे देश विच MSP की लड़ाई लड़ांगे। जिहड़ा प्रधानमंत्री का रेट है वह पूरे देश का देना पवेगा। असी MSP ते अंदोलन शुरू करांगे, असी किसी नूं झुकाउंदे नहीं हाँ। जो साडा हक है असी मंगिया वह लैके रहांगे। पंजाबी गायक अमृत मान के पिता दीआं मुश्किलां वध सकदियां ने। अमृत मान के पिता सरबजीत सिंह ते इल्जाम है कि उन्होंने अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली तैयार करके करीब 34 साल अध्यापक की नौकरी की है, जिसनों लैके पंजाब सरकार ने हुक्म जारी किया है कि जिन्हां ने भी जाली अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनवाए ने उन्होंने खिलाफ़ 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मोहाली च रिजर्वेशन चोर फड़ो पक्का मोर्चा लगा हुआ है। इस मोर्चे ने पंजाब सरकार नू अजिहियां 93 शिकायतां भेजियां ने जिन्हां ने नकली SC सर्टिफिकेट तैयार कीते ने ते सरकारी नौकरियां प्राप्त कीतियां। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते घट गिनती बारे मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने रिजर्वेशन चोर फड़ो मोर्चे दे लीडरां नाल मुलाकात कीती है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते घट गिनती बारे मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने रिजर्वेशन चोर फड़ो मोर्चा दे लीडरां नाल मुलाकात की है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने समाजिक न्याय अधिकारिता अते घट गिनती विभाग नूं कहा कि सारे सरकार विभागों नूं पत्र लिख के ए यकीनी बनाउण कि राखवेंकरण दे दावे नाल संबंधित दस्तावेज की संबंधित व्यक्ति दे प्रोबेशन पीरियड दौरान ढंगाई नाल जांच की जाए। नैशनल जांच एजेंसी वालों 22 मार्च में दायर चार्जशीट च कुल 14 मुलजमान के नाम दर्ज किए गए ने। इन्होंने मुलजमान से यह दोष है कि यह अतवादी संगठनों नाल रिश्ता रखने वाले गैंगस्टर ने इन्हों खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी NIA ने अतवादियों की सूची च पाया है। एजेंसी वालों अतवादियों की सूची चो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, जगदीप सिंह उर्फ जग्गू, सतेंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड, सचिन बिश्नोई, इस दे नाल ही अनमोल बिश्नोई उर्फ पानू, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़, वरिंदर प्रताप, राजेश कुमार, इस दे नाल राजू बसोड़ी, अनिल अते नरेश यादव, शाहबाज अंसारी दे नाम दर्ज किए गए ने। कैनेडा च देश निकाले दा सामना कर रहे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत मिली है। कैनेडा दे इमीग्रेशन, रिफ्यूजी अते सिटीजनशिप मंत्री शॉन फ्रेजर ने सहमति प्रगटाई है कि धोखेबाज सलाहकारां द्वारा धोखाधड़ी दे शिकार पीड़ित विद्यार्थियों नूं सज़ा नहीं दित्ती जाएगी। फ्रेंड्स ऑफ कैनेडा अते इंडिया फाउंडेशन दे प्रधान मनिंदर गिल ने इस बयान नूं विद्यार्थियों लई वड्डी राहत दस्सिया है। प्रवासी मंत्री ने हाउस तों कहा है कि सरकार एक प्रक्रिया है ते ताज कि बेकसूर विद्यार्थी कनेडा दे विच
रह सकन। इस गल दी जानकारी वैनकूवर तो NDP संसद मैंबर जैनी कवान ने एक ट्वीट जरिए दी। जैनी कवान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जिन्हों धोखेबाज सलाहकार द्वारा धोखा दिता गया सी उन्होंने गलत बयानबाजी के आधार से देश निकाले और आयोगता की सज़ा नहीं दिती जानी चाहिए। उन्होंने बेहतर भविख लिए निवेश दिता। उन्होंने सख्त मेहनत की अध्ययन किया। इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में ने बहुत ही ज़्यादा दबाव हेठ ने। लिबरल सरकार इस अनिश्चितता कनेडा च रहन की इजाजत दे के खत्म कर सकती है। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारू चक के अश्लील वीडियो मामले च एक नवा मोड़ आ गया। राज्यपाल SC कमिशन के आदेशों से पंजाब पुलिस के वलों बनाई गई जांच कमेटी के सामने शिकायतकर्ता ने कार्रवाई तो इनकार कर दिता, जिस तो बाद जांच कमेटी प्रमुख DIG बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेज दी है। मिली जानकारी अनुसार जांच के दौरान यह गल सामने आई है कि जिस समय पीड़ित के नाल अश्लील वीडियो कांड होया सी उस समय गालियां कढ़िया गई सी तां उह नाबालग नहीं सी। जांच कमेटी ने पीड़ित दे स्कूल दी उम्र जांच लिखा। स्कूल रिकॉर्ड दे अनुसार उसकी जन्म तरीक 3 मई 1993 है। एक घटनाक्रम 2013 च होया सी जिस तों साफ है कि पीड़ित दी उम्र घटना दे वेले तकरीबन 20 साल दी सी, जिस तों साफ होया कि 9वीं जमात विच पढ़दा सी पर उस तों बाद उसने स्कूल छड्ड दिता सी। फिलहाल इह सन हुण तक दीआं खास खबरां। नवीं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडे वाला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।